राना साहब बात हो रही है कि जिस दौरान वो सियासी मदाखलत के मरतकब हो रहे थे सबक डी जी आयस आए उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब से भी रबा किया था आप नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं आप आपके इल्म में है कि उन्होंने रहा किया था उनसे नहीं रहा देखें जब कबर जवेद बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तो आप आपके आपकेम में है कि उसका कुछ अरसा जो है बल्कि 16 से 18 तक दो साल तो मियाँ राशिफ साहब वज़ी अजम थे तो यकीन उन उस दौरान रबता होता हो उस वक्त की बात नहीं और, हो रही इस वक्त जब दो हज़ार बाईस में नए आर्मी चीफ का इंतखब किया जाना था उस वक्त की बात हो रही है उस वक्त जो मेरे नोटिस या मेरी इंफॉर्मेशन में है कि जब आर्मी चीफ़ की तैनाती से मतलब मामला जो है वो चल रहे थे तो उस वक्त फ़ैज़ हमीद साहब की तरफ से कुछ लोगों ने अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्हें उन्होंने कहा था या नहीं कहा था तो वो जो है वो भाग दौड़ कर रहे थे कि उनको आर्मी चीफ़ बनने की जो लॉबी आप कह लें उसे तो लेकिन उन्होंने ज़ाती तौर पर रबता किया या नहीं किया इस बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है द्राज़ साहब आपका एक मौक़ रहा है जो अदालत में मामला जेरसमत है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने भी कहा कि नौ मई के हवाले से तमाम एफ़ आई आर तलब किए हैं सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो शख्स आर्म फोर्स में नहीं है वो इसके डिस् के नीचे कैसे आ सकता है तो सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होना आपका इस पर मौक़ क्या है देखिए इसमें जो है वो केसेस की मुख्तलि नोयत जो है वो हो सकती है वो केसेस जो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो दर्ज हुए हैं और आर्मी टेक्ट एक्ट जो है वो 1952 वो अभी तक एक वैलिड ला है तो अब ऐसे लोग जो आर्मी के कंटोनमेंट एरिया में जाके कोई ऐसा जुर्म सरजद करें जो आर्मी एक्ट की दफात में काबिल जो है वो सज़ा हो तो आप मुझे बताएँ कि फिर उसका चलान अगर आर्मी एक्ट में नहीं होगा और वो वो उसका फ़ैसला जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा तो फिर कहाँ पे होगा ये लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं इंडिया और वहाँ से बाज़ लोग स्मगलिंग में मलबस होते हैं बाज़ लोग जो हैं वो आ, कोई इंफॉर्मेशन जासूसी वग़ैरह के काम में भी जो है वो मुलवस पाए जाते हैं तो वो सारे जो है वो आर्मी एक्ट के तहत तो उनके ख़िलाफ़ केसेस बनते हैं उनके अब ट्रायल आर्मी कोर्ट में होते हैं और वहाँ से उनको सजा होती है और वो सिविल जेल्स में आते हैं मैं जब इस वक्त जो इंसाफ की आ... मेहरबानी से जेल में था तो उन दिनों में एक एक आदमी जो है वो सजा हो के आया था उसे चार साल सजा हुई थी तो उसने मुझे खुद बताया कि जी मैं बॉर्डर क्रॉस करके गया था तो वापसी भी पकड़ा गया और उसके बाद मुझे मिलिट्री कोर्ट से जो है वो सजा हुई है इमरान खान साहब की तो आपने तो किया तो राना साहब लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ चैलेंज है दरपेश उससे बड़ा चैलेंज इस वक्त मौलाना रहमान की नाराजगी लग रहा है और उन्होंने बड़ा एक तकनीकी नुकता भी आज पेश किया है वो जरा आपको सुनवाते हैं फिर आपकी खदमत में सवाल पेश करेंगे क्या सदर मुमलिका एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए दो बार एतराज भेज सकता है तुम्हारा दावा है एक्ट बन चुका है सदर ने एक एतराज भेज दिया है उसके बाद अगर उसने आईनी मुद्दत के अंदर अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए तो हकुमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका करने की आज से पांच दिन के बाद वो दिन आएगा जिसपे वो कहते हैं कि मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ अगर हुकूमत नहीं मानती आपकी मुलाकात भी हुई है मौलाना फजल रहमान से आपको लगता है कि मना लेंगे आप उन्हें और ये मसला हल हो जाएगा और एक और मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन नहीं होगा देखिए मौलाना रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और उसमें मैंने तो उनको बड़ा मुस्बत पाया और वो जो बात कर रहे हैं देखे बाद नज़र में उनकी बात जो है वो आइनी और कानूनी हिसाब से जो है वो दुरुस्त मालूम होती है और ये बात भी दुरुस्त है कि मौलाना से हमने ये वादा किया था कि वो छब्बीसवीं तरमीम के ऊपर हमें वोट दें और उन्होंने जो उस वक्त तकाजा किया था ये इस एक्ट की जो है वो मंजूरी का और उसी दिन फिर इस एक्ट को जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया था तो ये बिल्कुल ये बात ऐसे ही है लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई है और कोई दिक्कत जो है वो किसी हद तक सबसेंश भी है वो इस तरह से कि कुछ मदारस जो है वो चाहते हैं कि जी हम आ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास ही रजिस्टर्ड रहें और जबकि मौलाना चाहते हैं कि वो सोसाइटी एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर्ड हों और कुछ तादाद ऐसी हो, हो हो सकती है या होगी कि जो सोसाइटी एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं तो अगर इसमें कोई दिक्कत पेश आ रही है तो बजाय इसके कि उसमें जो है वो ये कोई इस किस्म की सूरत हाल को जो है वो पैदा होने दिया जाए मेरा ख़्याल है कि मौलाना से बैठ के बात होनी चाहिए और उस बातचीत में उस आर्गूमेंट में इस मामले का जो है वो हल निकालना चाहिए अगली कोई मुलाकात तय तो है वालान वालान से आपकी, आपकी के से लोगों की जी मुलाकात तय हुई थी मुलाकात हुई थी और उसके बाद अभी ये कोशिश हो रही है कि मौलना के साथ बैठ के इस मामले को रिज़ोल्व किया जाए तो ये मामला जो है ये बैठ के रिजॉल्व हो सकता है अगर कोई गवर्नमेंट की हमारी कोई मजबूरी है तो मौलाना उसे ज़रूर समझेंगे और मौलाना जो बात कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है उनके साथ ये वादा हुआ था और ये आइनी और कानूनी पोजीशन जो है वो इसी तरह से बनती है